हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं अपना टॉप 10 क्लासेस। तो गाइस, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पास्ट इन्फिनिट टेंस। तो पास्ट की बातें हम लोगों की चल रही थी, तो पास्ट से पहले मैंने आपको प्रेजेंट बताया था। गाइस, मैंने क्या कहा था कि अगर आपका एक टेंस क्लियर हो जाए तो इनडिफिनिट को छोड़ करके जो रूल्स आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, जो रूल्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, जो रूल्स आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, वही सारे सेंटेंसेस में सेम चलते हैं। लेकिन कंडीशन इतनी ही होनी चाहिए कि सेंटेंस के फर्स्ट रूल आपको अच्छे से पते हों। सिर्फ डिफरेंसेस क्या आ जाती हैं गाइस, हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को देख के शौक हो जाते हैं कि भैया हम प्रेजेंट पढ़े थे तो पास्ट है, पास्ट मतलब भूतकाल है। भूतकाल के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बर्डन बन के आ रहा है। दैट जस्ट मस्ट बी अ कॉन्फिडेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ओनली द सिंबल वुड बी चेंज, दैट विल एक्सप्रेस अबाउट द पास्ट इवेंट, दैट इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। तो जो पास्ट की घटनाओं का वर्णन करता है वही पास्ट टेंस कहलाता है। तो हम क्या बताए थे आपको कि किसी भी टेंस का परिवर्तन सिर्फ एक जल्दी से हो जाता है। जैसे ही जल्दी आप चेंज करेंगे, प्रेजेंट के जगह पास्ट की जल्दी यूज करेंगे, तो टेंस ऑटोमेटिकली पास्ट का हो जाता है। तो आज हमारी बारी किस चीज को पढ़ने की है? आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्रेजेंट तो पढ़ ही चुके हैं आप, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब निरंतर भूतकाल। क्या पढ़ेंगे आज? निरंतर भूतकाल, यानी कि जो कार्य भूतकाल में लगातार चल रहा था, हम आज उसकी बात करेंगे। तो निरंतर भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो आज हम देखते हैं क्या आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? व्हेन, रहा था, रही थी, रहे थे, दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। When, रहा था, रही थी, रहे थे, these type of word will come in the last of verb, then we shall know it is past continuous tense. तो अब आते हैं structure पर। Structure मतलब क्या होता है guys? Definitely you are knowing that structure or construction means is, structure or construction means is that we have to think of अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम होता है गाइस। तो अब अनुवाद बनाने के नियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले में क्या करना होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आदि चीजें लिखते हैं। जैसे वह रसोई में खीर बना रही थी, ओके गाइस, माइंड अबाउट दिस वन। वह रसोई में खीर बना रही थी, तो कौन बना रहा है? वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। अब रही थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज और वर, तो एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, तो सी वाज क्या कर रही थी? बना रही थी। बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। कुक में क्या लगाएंगे? आई एन जी, तो सी वॉज कुकिंग, वह बना रही थी क्या? खीर। तो खीर को हम क्या बोलते हैं? राइस पुडिंग। क्या बोलते हैं भैया? राइस पुडिंग। सी वॉज कुकिंग राइस पुडिंग, कहाँ पर? इन किचन। सी वॉज कुकिंग राइस पुडिंग इन किचन। नेक्स्ट, हम उसका उपहास नहीं उड़ा रहे थे। नाउ गाइज, माइंड अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। हम उसका उपहास नहीं उड़ा रहे थे, तो कौन नहीं उड़ा रहा था? हम की इंग्लिश क्या होती है गाइज? वी होती है। क्या होती है? वी। और वी क्या है? वह वचन है, तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। वी वर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड है तो नॉट। वी वर नॉट क्या कर रहे थे? उड़ा रहे थे या फिर बना रहे थे, तो वी वर नॉट मेकिंग। वी वर नॉट मेकिंग, क्या मेकिंग कर रहे थे? मजाक, मेकिंग अ फन, ठीक है। वी वर नॉट मेकिंग अ फन किसका? ऑफ हिम, ठीक है। जैसे क्या श्याम
नदी के किनारे क्या श्याम नदी के किनारे बांसुरी बजा रहा था? क्या श्याम नदी के किनारे बांसुरी बजा रहा था? नाउ गाइस, क्या सबसे पहले आ गया है? तो जब क्या सबसे पहले आता है तो हम क्या करते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। तो श्याम क्या है, एक वचन है, तो श्याम के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, क्या लगेगा, वॉज, सुपर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा, श्याम, क्या हो जाएगा, श्याम, वॉज श्याम। कर क्या रहा है भैया, बजा रहा है। अब बांसुरी को नगाड़ा तो है नहीं कि पीटेगा, बांसुरी क्या होता है, होठों से खेली जाती है, होठों से हवा की जाती है, इसलिए इसको बजाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्ले यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्ले। तो श्याम, वॉज श्याम प्लेइंग, क्या बजा रहा था, फ्लूट, वॉज श्याम प्लेइंग फ्लूट, कहां पर, नदी के किनारे, तो एट द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, जैसे प्राचार्य छात्रों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे, ठीक है, प्राचार्य छात्रों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे, तो क्यों सबसे पहले हैं, तो हम क्यों की इंग्लिश क्या लिखते हैं, वाई। अब उसके बाद क्या है, प्राचार्य सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज। फिर प्राचार्य की इंग्लिश क्या होती है, प्रिंसिपल, क्या होती है, वाई, वॉज, प्रिंसिपल। फिर निगेटिव वर्ड भी है तो नॉट। कर क्या रहे हैं भैया, पूछ रहे हैं, पूछने की इंग्लिश आस्क, आस्क में क्या लगेगा, आईएनजी। तो वाई वॉज प्रिंसिपल नॉट आस्किंग, सवाल। कुछ लोग क्या होता है, सवाल पूछा गया तो आप उसे प्रश्न बना देते हैं। प्रश्न और सवाल में अंतर होता है गाइस। अगर प्रश्न की बात आएगी तो हम क्वेश्चन करेंगे, और सवाल की बात आएगी तो हम मैथ से रिलेटेड चीजें पूछेंगे। तो सवाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं, सम। वाई वॉज प्रिंसिपल नॉट आस्किंग सम, किस से, छात्रों से, तो टू स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर, आई होप कि ये टेंस आपके समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप केवल इतना कंसंट्रेट कीजिए गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप यहाँ नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई यू वी और दे, ठीक है, आई यू वी और दे, इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं गाइस, इनके साथ यूज करते हैं वर, क्या यूज करते हैं, वर, और ही सी इट और नेम, इनके साथ यूज करते हैं वाज, क्या यूज करते हैं, वाज, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो वह बहुवचन में क्या होता है, आई यू वी दे जो होता है वह बहुवचन होता है, ही सी इट और किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ वाज यूज करते हैं। तो आपके सामने सारा चीजें हैं, सारी चीजें आपके स्क्रीन पे हैं गाइस, तो जस्ट माइंड अबाउट दिस वन एंड नोट डाउन, मेक अ प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग वेल, और फॉर डूइंग दैट ऑल वेल यू हैव टू डू ओन प्रैक्टिस टू, आपको खुद की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ बता दूंगा, आप वीडियो देखोगे, वीडियो बंद कर दोगे, उतने से काम नहीं क्लियर होगा गाइज। I'm just telling away, and if you have suspicion, just send the messages. I will get you perfect speaker and will get you a well writer here. लेकिन possible तभी है जब आप भी उसके साथ में प्रयास करो, जब आप भी उस पर मेहनत करना शुरू करो, तो हम अच्छे से इस पर फाइट कर सकते हैं। तो बेहतर क्या होगा कि आप उस परफॉर्मेंस के लिए खुद पर भी फोकस करो, कुछ घर से प्रैक्टिस करो, और बाकी के लिए अगर सस्पेशन नजर आता है गाइस, तो विदाउट हेजिटेशन यू मस्ट हैव टू सेंड मैसेज इन इनबॉक्स, इन कमेंट बॉक्स, वी विल सी इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लासेस विथ अनदर सेंटेंसेस, टिल देन गुड बाय एंड गुड आफ्टरनून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।